हसीना है हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी, इनका आपसे बात करनी है, हमारा फोन नहीं काटना। जी जी जी, फरमाइए, नहीं काटा जाएगा आपका फोन। हम इसी पे सुनेंगे। हम ये कह रहे थे हकीम साहब, आप फोन पे बताएं हमें कि ये जो गुर्दों की मैंने कमजोरी बताई थी, ये इसकी दवा बताइए आपने, या फिर जो पेशाब वेशाब, ये तो बाद में ठीक हो जाएगा जब गुर्दे मजबूत होंगे तो। हाँ, कौन सी दवा बताई थी मैंने? आपने बताया था मेथी के दाने और जैतून का नमक। ठीक है। ऐसा था कि हमारे वाली साहब के गुर्दे जो है कमजोर बताए हैं, और उनको पेशाब रुक रुक के आता है और जलन से भी आता है, कभी दिन में सही आ जाएगा, कभी कभी कम आगा, कभी ज्यादा, कभी रुक के आगा, कभी सही, ऐसी बस ऐसी होता रहता, कभी रात को सही, कभी दिन को सही। और हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें गुर्दे कमजोर बताए। हाँ देखिए, कई बार मैं दवा बता चुका हूँ आपको, आप फोन मत काटिए इनका, इनको फोन पर सुनने दीजिए। देखिए, आप को इन दोनों चीज़ों के लिए, गुर्दों की कमज़ोरी और पेशाब की जो गैर एतदाली है, बेएतदाली है, उसके लिए, दोनों के लिए है ये नुस्खा। आप समझ ले, देखिए, मेथी का दाना 100 ग्राम, धनिया का दाना 200 ग्राम, और अलसी लीजिए 200 ग्राम, अलसी 200 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और नमक जैतून 100 ग्राम। ये रेशो से आप इसका पाउडर बनाएं, और आधा आधा चम्मच 2 से 3 टाइम खाने के बाद पानी से खिलाइए, आपके वालिद को फ़ायदा होना मुमकिन है। इनके तमाम जो आपने बताए थे गुर्दे से मुतालिक, किडनी से मुतालिक, गुर्दा और किडनी एक ही चीज़ है, और उसके तमाम इमराज के लिए ये नुस्खा आप उन्हें दे सकते हैं। जी।